एटा मुस्लिमों के प्रमुख त्योहार ईद पर इस बार कोरोना का कहर दिखाई दिया। घरों पर ही अदा की गई ईद की नमाज, फोन पर ही दी गई ईद की मुबारकबाद। लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों पर ही अदा की ईद की नमाज। वहीं तहसील जलेसर क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तैनात रहा प्रशासन। कस्बा आवागढ़ में तहसीलदार जलेसर आर के त्यागी रहे मुस्तैद। ईदगाह व मस्जिदों पर छाया रहा सन्नाटा। केवल पुलिस प्रशासन के अलावा ईदगाह एवं मस्जिदों पर कोई भी नमाज करने के लिए व्यक्ति नहीं गया। सभी के द्वारा इस कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की और मोबाइल फोन के माध्यम से अथवा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। पुलिस का खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से तहसील जलेसर क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ गतिविधियों पर नजर बनाए रहा। हर नए घटनाक्रम पर पूरी मुस्तैदी के साथ नजर रख रहे खुफिया तंत्र के लोग। वहीं कस्बा आवागढ़ में एलआईयू के गौतम जलेसर में अशोक सारस्वत एवं धीरज कुमार के द्वारा ईद की नमाज के दौरान अपने क्षेत्र में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आए और पल पल की खबर शासन प्रशासन को भेजते रहे। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार निगरानी बनाए रखी गई, जिससे कोई भी किसी तरह से मस्जिद अथवा ईदगाह पर नमाज करने के लिए न जाए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन जारी है, जिसमें किसी भी सूरत में दो व्यक्तियों से अधिक एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। उसी क्रम में प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कई दिन पहले ही सूचना कर दी थी। किसी भी तरह से कोई भी नमाजी नमाज करने के लिए मस्जिदों एवं ईदगाह पर नहीं जाएंगे, सभी अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा करेंगे। वहीं डीएम एसएसपी के द्वारा भी सभी जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। कस्बा आवागढ़ में तहसीलदार जलेसर आर के त्यागी ने कस्बा वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए घरों पर ही नमाज अदा करने की बात कही। सर, आज कस्बा आवागढ़ में आपका भ्रमण कार्यक्रम है, क्या है पूरी जानकारी? आवागढ़ में सभी लोगों ने जो ईद की जो अपने घरों में अदा दी है, मोहनपुर में भी, आवागढ़ में भी, और सब लोगों ने, कोई भी आदमी मस्जिद में या ईदगाह पे नहीं आया है और ईदगाह भी खाली है। हम और प्रभारी निरीक्षक साहब हैं अजीत सिंह जी और पुलिस बल के साथ हम लोगों को राउंड लिया है। कहीं कोई समस्या नहीं है, सब लोगों को पहले समझा दिया गया था, इस वजह से पहले से डिसाइड था ईदगाह या मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जानी है। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। सभी देश और प्रदेश वासियों को द इंडियन समाचार के पूरे परिवार की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।